दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2011। ये आपको एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर सच दैट 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, और बी सेट दिया हुआ है जिसमें एक्स क्यूब सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है कि देर इज 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं ए सेट की बात करूंगा तो वो एक्स स्क्वायर फंक्शन का रेंज है, तो बेसिकली वो क्या आएगा, ओपन इंटरवल 0 to 1। बी की बात करूंगा तो वो एक्स क्यूब फंक्शन का रेंज है बिटवीन 1 to 2, तो वो क्या आ जाएगा 1 to 8। तो ये दोनों इंटरवल्स हैं, और आपने ये डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलेटन इंटरवल्स हैं दे आर सिमिलर सेट। तो ये सिमिलर सेट है तो डेफिनेटली देर इज अ 1 ऑन टू फंक्शन, या आप सिंपली फंक्शन बना सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x+1 ले लो। एक्स इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 1 दे देगा और एक्स इक्वल टू 1 पे ये 8 दे देगा। तो ये चेक कर सकते हैं ये 1 ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी सेट। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है कि देर इज नो 1 ऑन टू फंक्शन विच टेक रैशनल टू रैशनल। सेम इसी फंक्शन की बात कर लेते हैं, अगर एक्स क्यू से बिलोंग करेगा तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, क्यू से। तो ये जो फंक्शन है ये रैशनल नंबर को कहाँ मैप कर रहा है, रैशनल नंबर पे। तो सेकंड ऑप्शन का ये काउंटर एग्जांपल है, सेकंड फॉल्स। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि देर इज नो 1 फंक्शन, फर्स्ट ट्रू हो गया तो थर्ड फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है देर इज नो ऑन टू फंक्शन, वो क्या हो गया, डी फॉल्स, क्योंकि 1 ऑन टू मिल चुका है। तो आंसर शुड बी ओनली ए ऑप्शन ट्रू। आई थिंक क्लियर है ये।